लेकिन बहुत अफसोस है मुझे पूरी पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि मकरूज़ हैं वो हर फनकार के, हर आर्टिस्ट के मकरूज़ हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट हर आर्टिस्ट की मकरूज़ है। और ये ऐलान करके और इस तरह से जितना ट्रीटमेंट उनका लेट हुआ, बहुत दुख वाली बात है। बेपनाह अच्छा टाइम गुजरा है। तारक टैडी साहब एक शरारती आदमी था, हमारी ज़िंदगी से वो शरारतें ख़त्म कर गया। और तारक टैडी साहब एक दोस्त आदमी थे और गरीब परवर आदमी थे और ऐसे ग्रेट इंसान थे, ऐसे ग्रेट थे कि मैं एक बात अभी मैंने कही है कि कभी हमें ना ये फील ही नहीं हुआ कि वो हमारे सीनियर हैं, बिल्कुल दोस्तों की तरह, बिल्कुल दोस्तों की तरह। हमारी स्ट्रगल भी है कटे, वो मुझसे थोड़ा सा पहले आए थे और लेकिन बड़ा नाम उन्होंने कमाया। लेकिन एक अफसोस है, मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया के आज तक ना कभी गवर्नमेंट ने हमारे आर्टिस्टों के लिए कभी कुछ नहीं सोचा। और गवर्नमेंट अगर ये पहले कुछ केयर करना चाहती गवर्नमेंट तो बहुत कुछ कर सकती थी, जिंदगियां बचाई भी जा सकती हैं। लेकिन रब की रज़ा है, इस तरह से लिखा था, इस तरह से हुआ। लेकिन बहुत अफसोस है मुझे पूरी पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि मकरूज़ हैं वो हर फनकार के, हर आर्टिस्ट के मकरूज़ हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट हर आर्टिस्ट की मकरूज़ है। और ये ऐलान करके और इस तरह से जितना ट्रीटमेंट उनका लेट हुआ, बहुत दुख वाली बात है।